दोस्तों वाराणसी में अंतिम मौके पर महासंग्राम की कहानी ने एक अलग ही मोड़ ले लिया है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने वाराणसी से अपनी उम्मीदवार बदल लिया है और सपा बसपा गठबंधन ने घोषित प्रत्याशी शालिनी यादव की जगह तेज बहादुर यादव को टिकट दे दिया है। ये बदलाव आखिरी वक्त में हुआ, जिसे अंतिम समय तक सस्पेंस बना हुआ था, लेकिन काफी सस्पेंस के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सपा बसपा गठबंधन ने अपना प्रत्याशी बदल दिया। फिर सपा के पूर्व घोषित प्रत्याशी शालिनी यादव और बीएसएफ के बर्खास्त जवान तेज बहादुर यादव ने सपा प्रत्याशी के तौर पर पर्चा भरा, लेकिन इन सबके बाद नामांकन के आखिरी दिन सिर्फ तेज बहादुर यादव ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर वाराणसी सीट से पर्चा दाखिल किया और शालिनी यादव को अपना नामांकन वापस लेना पड़ा। लेकिन अब ये क्या, एक बार फिर इस सीट को लेकर नया मोड़ आ गया और माना जा रहा है कि तेज बहादुर का बनारस से कट सकता है पत्ता और शालिनी यादव का एक बार फिर चमक सकता है सिक्का। तो ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं टाइम्स ऑफ टुडे के साथ। दोस्तों यूपी के हाई प्रोफाइल सीट बनारस में सातवें चरण में चुनाव है। नामांकन के आखिरी दिन यानी सोमवार को यहां से सपा बसपा गठबंधन ने अपना प्रत्याशी बदलकर बीएसएफ के बर्खास्त जवान तेज बहादुर यादव को टिकट थमा दिया है। यानी वाराणसी की सीट से जो प्रत्याशी पीएम के खिलाफ लड़ेगा वो है तेज बहादुर। इससे पहले शालिनी यादव नाम पीएम के खिलाफ लड़ने के लिए पार्टी ने तय किया था, लेकिन अब एक बार फिर कहानी में नया मोड़ देखने को मिल रहा है, क्योंकि तेज बहादुर की एक गलती पार्टी पर भारी पड़ने वाली है। जी हाँ, उन्होंने बतौर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में कबूल किया था कि उन्हें भ्रष्टाचार के कारण नौकरी से बर्खास्त किया गया था, लेकिन सोमवार को सपा प्रत्याशी के रूप में नामांकन करते वक्त तेज बहादुर इस सच को छिपा गए और तेज बहादुर की ये गलती अब शालिनी यादव के लिए वरदान बन सकती है। बता दें कि इन सबके बाद जिला निर्वाचन कार्यालय ने तेज बहादुर को नोटिस दिया कि उन्हें किसी भी हाल में 1 मई को इसका जवाब देना ही होगा कि उन्होंने नामांकन के समय अपने बर्खास्त वाली बात क्यों छिपाई। तेज बहादुर को बीएसएफ की एनओसी लाने को कहा गया है। वहीं चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि अगर तेज बहादुर यादव प्रमाण नहीं देते हैं तो उनका नामांकन खारिज कर दिया जाएगा और इसी के साथ शालिनी यादव के लिए संभावनाएं बढ़ जाएंगी। दोस्तों शालिनी की दावेदारी इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि अपना पत्ता कटने के बावजूद शालिनी ने डिसिप्लिन सिपाही की तरह पार्टी लाइन से हटकर कोई बयान नहीं दिया है। लेकिन दोस्तों लग यही रहा है कि बदले समीकरण और माहौल को भांपते हुए गठबंधन ने तेज बहादुर को मैदान में खड़ा कर दिया है। लेकिन इन सबके बावजूद शालिनी डटी रही और उनका कहना है कि जब पार्टी कहेगी तभी वो अपना नाम वापस लेंगी। वहीं दोस्तों इस बीच तेज बहादुर के नामांकन में झूठ बोलने पर चुनाव आयोग की आंखें निकल आई हैं और शालिनी खुद को इसीलिए होड़ में बनाए हुए हैं। लेकिन तेज बहादुर की उम्मीदवारी पर तलवार तो लटक रही है। बता दें कि दोस्तों कि तेज बहादुर वो है जिन्हें भ्रष्टाचार के कारण उनको उनकी नौकरी से निकाल दिया गया था और उन्होंने 24 अप्रैल को निर्दल प्रत्याशी के रूप में अपने शपथ पत्र के एक कॉलम में हां पर निशान लगाते हुए बताया भी था कि मुझे भ्रष्टाचार के खिलाफ नौकरी से बर्खास्त किया गया था। लेकिन 29 अप्रैल को जब दूसरी बार नामांकन हुआ तो उन्होंने इसी कॉलम में नहीं पर निशान लगाया, जिसका मतलब है कि उन्हें भ्रष्टाचार की वजह से नौकरी से नहीं निकाला गया। लेकिन वही ये झूठ तो अब गठबंधन के लिए बड़ी चूक साबित हो सकती है। वेल दोस्तों, आप वाराणसी जैसी हाई प्रोफाइल सीट से पीएम मोदी के खिलाफ मैदान में गठबंधन में से किसे देखना चाहते हैं, बर्खास्त तेज बहादुर को या शालिनी यादव को? हम आपकी राय जरूर जानना चाहेंगे, इसलिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए। अगर जानकारी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और जुड़े रहें हमारे चैनल टाइम्स ऑफ टुडे के साथ।